परिषद से अलग होकर बने अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद संगठन ने 2019 लोकसभा चुनावों में भाजपा के विरोध में काम करने का ऐलान किया है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि जिन वायदों के साथ केंद्र में एनडीए सत्ता में आई थी उसको पीछे छोड़कर मुद्दे से भटक गई है। 21 अक्टूबर चलो अयोध्या, अयोध्या कूच से सत्ता का परिवर्तन, हमने विचार के लिए घर छोड़ा था, आज पूरा का पूरा विचार ही बदल गया है। आज मोहन जी कहते हैं कि बिना मुसलमानों के से हिंदुत्व सुरक्षित नहीं है, तो पहले आपने ही बोला था कि हिंदुत्व ही राष्ट्रीयता है, तो यह पूरा मोदी जी नहीं बदले हैं, पूरा विचार बदल गया है। मोदी जी तो एक जुमले गाने वाली मशीन कह सकते हैं, वो बहनों भाइयों कहकर लोगों को केवल और अपने सम्मोहन से, पर आज उनका सम्मोहन टूट गया है। चार राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, वह चार राज्यों की स्थिति देखें, आज मोदी का जादू नहीं है, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर के लिए कोई काम नहीं किया, धारा 370 के लिए काम नहीं किया, 35A कश्मीर में हटनी चाहिए उसके लिए काम नहीं किया, किसानों को सीटू की पद्धति पर, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश पर 1.5 गुना मूल्य वृद्धि मिले उस पर कोई काम नहीं किया, समान नागरिक कानून के लिए कोई काम नहीं किया, नौजवानों के लिए रोजगार के लिए काम नहीं किया। इन मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद यह संकल्पबद्ध है, 21 अक्टूबर के बाद अयोध्या कूच करो या मरो, सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हमने कहा है तुम या तो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनवाओ या सत्ता छोड़ दो, और सत्ता 21 अक्टूबर के बाद इनको छोड़नी पड़ेगी। 21 अक्टूबर राम जन्मभूमि, राम के ही संकल्प से सत्ता का परिवर्तन होना है, राम के ही परिवर्तन से यह सत्ता में आए थे। जब आदमी मरता है तो ऑक्सीजन लगाता है, राम याद करता है, इन्होंने मरते हुए राम याद किया था, अब ये सांस ले रहे हैं तो राम को भूल गए हैं, राम इनको छोड़ चुके हैं। चार राज्यों और केंद्र सरकार बदलने वाली है, या तो आप राम मंदिर बना दो नहीं तो सत्ता छोड़ दो, यही संकल्प है अब की बार हिंदुओं की सरकार। इसलिए परिषद 15 सूत्रीय मांग के साथ देश भर में आंदोलन चलाएगी, जिसमें काशी विश्वविद्यालय, मथुरा और अयोध्या तीनों को हिंदुओं को सौंपने के साथ संसद में कानून बने। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि आज 56 इंच का सीना सिकुड़ गया है, देश में न किसानों का सम्मान बचा है और ना जवानों का, किसानों पर लाठियां भांजी जा रही हैं, सीमा पर जवान मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने हिंदुओं के साथ वायदा खिलाफी की है, इसके विरोध में 21 अक्टूबर को अयोध्या की ओर कूच करेंगे, जिसमें हिमाचल से करीब 500 से ज्यादा लोग जाएंगे।